हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी दिन के 2 बजने वाले हैं, अभी तक मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया, बिकॉज आज हमारा प्लान था नैनीताल जाने का बाबू भैया के साथ में, तो उनको कुछ प्रॉब्लम होगी इसलिए आज कैंसिल करना पड़ा, नहीं तो आज निकल लेते, अभी तक तो हम नैनीताल पहुँच भी जाते। फिलहाल अब प्लान में चेंज है, अभी हम जाएंगे कहीं और, कहाँ जाएंगे वो पता नहीं है। यहाँ से बाइक निकालने में मज़ा आता है, सीधा निकाल दो अपना, फिर उसका न्यू हेलमेट मस्त लग रहा है यार। ओलू आपको नहीं ले आ सकते, ठीक है, चलो अंदर अंदर चलो 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 अंदर चलो, बाय। अब ओरियो यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे जाली लगी है ना यार, ओरियो के बिना जाने में अजीब लग रहा है मुझे यार, वो देख रहा है अपने को। तो यहाँ से जंगल आ गया, चले जंगल के अंदर, तो हमको यहाँ पे एक रास्ता दिखा जंगल में जाने का, चले नहीं भिड़ेगी। वाह यार क्या मस्त व्यू है, अरे बंदर भी है यार यहाँ। तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं, इस साइड भी जंगल ही जंगल है, मस्त रास्ता है, चलें आगे यार, आगे चलते हैं थोड़ा यार, यहाँ पे ठीक है, फोटो नहीं लेते यहाँ पे। अरे वापस आते हुए खींचेंगे फोटो, चल हमको पता नहीं है ये रोड जाती कहाँ पे है, बट अच्छा लग रहा है देखने में, यहाँ बाइक चलाने में, ऑफ रोडिंग करने में। यहाँ से राइट ले क्या, राइट लेते हैं, आजा। डर लग रहा है यार मुझे जंगली जानवर ना आ जाए। भाई रोड तो बिल्कुल छोटी हो गई है, आगे रास्ता देख, बिल्कुल छोटा रास्ता हो गया भाई, जंगल भी घना होता जा रहा है देख। यहीं पे फोटो खींच के वापस चलते हैं, जल्दी खींचो फोटो। जब ना 3-4 बाइकें होंगी ना, ज़्यादा लोग होंगे तब आएंगे, तब चलेंगे आगे तक, देखते हैं क्या है आगे, अभी नहीं, अभी तो अपन भाई हैं यार 3 बस। जगहें तो मस्त मस्त हैं हल्द्वानी में एक्सप्लोर करने के लिए, बट अकेले जाने में डर लगता है ना, साथ में अगर कोई बड़े लोग हो ना तो अच्छा लगता है, तो डर नहीं रहते, अभी हम छोटे छोटे हैं तो डर लग रहा है, आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई कौन मिल जाए यहाँ पे, घना जंगल है। कितने डेडिकेटेड होकर फोटो खींच रहे, देखिए भाई तुम फोटो खींचो, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कोई आसपास जानवर तो नहीं आ रहा, आएगा तो तुमको बता दूंगा, सबसे पहला काम होगा मेरा उसको देखते ही भागना। तुमको कैसे बताओगे, मैं तुमको बता के भाग जाऊंगा। मुड़ो अब खींच फोटो, हाँ बैठ जा, चल बैठ जा, बैठ जा, नहीं गिरेगी नहीं गिरी, बैठ जा बैठ जा, नहीं गिरेगी मैं कह रहा हूँ ना, अरे नहीं गिरेगी मैं गारंटी ले रहा हूँ, ले मैंने पकड़ ली बस यहाँ से, नहीं गिरने दूंगा बस, बैठ जा, अब बैठ जा, तू बस बैठ जा, हिलियो मत, नहीं गिरेगी, हाँ तो गिरी गिरी, नहीं गिरेगी ये देख, अरे नहीं गिर भाई, सच्ची मत गिरा दे तू जानबूझ के, हाँ हाँ ये हुई ना स्माइल, बनावटी नहीं, नेचुरल स्माइल कर, नेचुरल स्माइल, क्या नौटंकी करता है तू, ये कैसे पेशेंट के साथ की जरूर है, पेशेंट के साथ, पेशेंट के साथ पेशेंस बोल, फोटो खिंचवाने के लिए ना शक्ल भी अच्छी होनी चाहिए। वैसे शक्ल तो हमारी भी इतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी फोटो आ जाती है अच्छी, कभी घमंड नहीं किया हमारी, नहीं आपकी, मेरी तो अच्छी है पीयूषी, तेरे को पता है सुंदरता ना सुंदर दिखने से नहीं होती, सुंदर महसूस करने से होती है, जब हम चीजों को सुंदर, जैसे अभी आप नेचर में है, ये भी एक सुंदरता है देख, मतलब भगवान ने ये पेड़ बनाए हैं, ये जंगल कितना सुंदर, मान लो यहाँ पे टाइगर आ जाता है हमको, हम तो कहेंगे, बहुत सुंदर हम कहेंगे, ओले कितना प्याला है, ओलू आजा ओलू, ऐसे कहेंगे ना उसको, चलो पैकअप कर रहे हैं हम, सारा पैकअप हो रहा है, पैकअप जगह बढ़िया है कैंपिंग वगैरह करने के लिए, टेंट वेंट ले आओ, यहाँ टेंट लगा लो, आग वाग लगा लो, आग मतलब वैसे खाना बनाने के लिए, खाना बना दो मजा आ जाएगा ना, टेंट लगा के करेंगे गाइस कभी। कोई गिरा दी उसने भाई, बहुत भारी है, कर क्या रहा था तू, प्यार से गिरी है भाई, ऐसी जगह पे गिरेगी तभी तो मैं चला के नहीं मोड़ता, मैं हाथ से मोड़ता हूँ। तो साहिल की बाइक को पता नहीं क्या हो गया, स्टार्ट ही नहीं हो रही, रेस दे भाई, जंगल के बीच में कहाँ खराब कर ली बाइक, भाई क्या हो गया, हटियो मेरे को दे, इसको बंद करके चालू करके, ये बाइक तो मस्त है, पहले गियर पे ही चलाओ इसको तो, ओ भाई चलाने में तो मजा इसमें आ रहा है भाई, बाइक तो ये है बेस्ट भाई, क्या भाग रही है देख,
अरे पेड़ काट दिया यार, पेड़ क्यों कटवा रहे हो यार? औरी और एक बार इसको पकड़ना। औरी भाई ये क्या है, ये क्या है भाई? तू भाई साहब डर रहा हो? देखो देखो देखिए देखिए, अपने घर में शेर बनना है। औरी तो जो ये पेड़ है ये यहाँ से आता था यहाँ तक ऑलमोस्ट इसके ऊपर पूरा, तो अब यहाँ से काट दिया पूरा, अब ये जगह खाली होगी तो यहाँ पे छोटे छोटे गमले लगा लेंगे हम। अजीब सा लग रहा है ना, पहले घना घना सा लग रहा था, अब खुला खुला सा लग रहा है। पहले गाड़ी के ऊपर भी आ रहे थे पत्ते, अब नहीं आ रहे कहीं भी। हम यहाँ पे लगाएंगे और अभी जैसे उन्होंने लगा रखे ना, देखो जैसे इन्होंने लगा रखे ना ऐसे ग्रीन ग्रीन यहाँ लगाएं। तो भी हल्की हल्की बारिश आ रही है और फिलहाल अभी हम जा रहे हैं पीयूष के नैनीहाल। माइके पीयूष की जो मम्मी है वो बेसिकली हल्द्वानी से ही थी, तो उनका घर यहीं है। चलते हैं, पीयूष अपने मामा से मिल के आएगा, अपनी मौसी से मिल के आएगा। फाइनली अब ओरियो भी चलेगा, बारिश तो आ ही रही है। तो सभी लोग मेरे गाने का वेट कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मैं हिंट देता हूँ कौन से सिंगर का गाना है। गाना नहीं सुना रहा मैं आपको, सिंगर का दूसरा गाना सुना रहा हूँ, ठीक है? तो इस सिंगर का गाना है, तो आप सोच रहे कितना पॉपुलर सिंगर है। आवाज बता दी मैंने आपको कि उस गाने में आवाज क्या होगी। पीयूष के माइक पहुंच गए, चल मिल ले सबसे ज्यादा अंदर। मिल गया। देखो यहाँ पे ये मस्त है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे पूरा मक्का बो रखा है, अमरूद, नींबू, आम। बाय द वे ये पीयूष के मामा, और यहाँ पे सामने ही पहाड़ है देखो। तो अभी हम स्कूल के ग्राउंड में पहुंच गए, यहाँ पे क्रिकेट चल रहा है इनका, इनकी सही प्रैक्टिस चल रही है। तो अभी शाम के 7 बजने वाले हैं, मम्मी पापा तो वहीं बैठे हैं घर में, हम थोड़ा बहुत घूम फिर के आ गए, अब चले जाएंगे घर वापस। ये ऐसे क्यों जला रखा है? अगरबत्ती है ये, अगरबत्ती मच्छर भगाने के। अच्छा मच्छर के लिए। अच्छा ये देखो देसी जुगाड़। बाय द वे ये हैं पीयूष के नाना जी, मम्मी पापा मस्त बैठे हैं चाय पी रहे हैं, एंड पीयूष की नानी जी। अभी अभी जस्ट हम पहुँचे हैं और ये कुछ सब्सक्राइबर्स हमारा वेट कर रहे थे इतनी रात को भी, सो थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आप सबसे मिल के। क्या है इसमें दिखाई? ये मक्के, तो इनको बनाएगा? तो इसमें क्यों रख रहा है ऐसे? वहाँ पर ले जाके छीलेंगे। तो ये नौटंकी क्यों कर रहा है ऐसे? दाने ही नहीं है इस मक्के में, देखना कैसा मक्का लिया इसने। वाह तो छीला मैंने, इतनी मेहनत करी। यही खाइयो काला काला, यही काला ही होता मक्का। कैसा हो रहा है आगे स्वाद? दिखाइयो दिखाइयो भाई, ये क्या कर लिया तूने? पूरा भुट्टा जला दिया इसने, देखना आगे स्वाद। बाय द वे फिलहाल मम्मी और साहिल काट रहे हैं भिंडी, तो आज भिंडी बनेगी, और ये देखो जला हुआ भुट्टा खा रहे हैं। तो अभी डिनर रेडी हो गया, तो आज फिर से बाबू भैया आए हैं, अभी हम प्लान कर रहे हैं कल की राइड का, जो कि हम नैनीताल जाने वाले हैं। आज भी जाना था बट कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो करते हैं कल जाएंगे सुबह 6 बजे, आज तक नहीं उठा। तो अभी रात के 1 बज गए हैं, अब जाके काम कंप्लीट हुआ है, सुबह सुबह हमारा प्लान है 6 बजे निकलने का, तो 5 बजे उठना भी है मेरे पास, सिर्फ 4 घंटे सोने के लिए। जल्दी इसको अपलोड बजा के सोता हूँ मैं, कल हमको निकलना है नैनीताल, सारे के सारे सुबह सुबह निकल रहे हैं, सुबह सुबह ठीक रहेगा ना। फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाले हैं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। खींच दी चलो साइड हो, यार फोटो खींचने के चक्कर में आधे घंटे ज्यादा हो गए अपने को यहाँ पे। तो गाइस ये हेलमेट पीयूष का है जो आप इसकी फोटो में देखोगे, तो ये आपको भ्रमित करना चाह रहा है, ये फोटो में दिखाया कि ये इसका हेलमेट है बट ये पीयूष का हेलमेट है। हाँ।